नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालकानगिरी जिला के पोड़िया ब्लॉक पोड़िया गांव के पुरानी ब्लॉक ऑफिस के पास पशुगुड़ा गांव के 30 से अधिक परिवार वालों को नई कॉलोनी शांति नगर में 2008 में यह कहकर बसाया गया था कि वहां पर नया ब्लॉक ऑफिस बनेगा, लेकिन 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें जमीन का पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। तत्कालीन BDO सुभाष सिंह जी ने पशुगुड़ा वासियों से बस्ती खाली करवा कर शांति नगर कॉलोनी में जाने को कहा था और कहा था वहां पर आप लोगों को 4-4 सेंट के हिसाब से रहने योग्य जगह दी जाएगी एवं कहा गया था कि सबको पट्टा प्रदान किया जाएगा क्योंकि उस जगह पर ब्लॉक ऑफिस बनाया जाएगा, लेकिन आज 13 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। शांति नगर वासियों का कहना है कि सरकार अगर हमें पट्टा प्रदान नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सरकारी सहायता भी जैसे कि प्रधानमंत्री आवास घर तक कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि पट्टा नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र वास स्थान प्रमाण पत्र देने की कोई नियम नहीं है। इस सिलसिले में हमारे स्टेट हेड संवाददाता गोविंद मंडल मोटू तहसीलदार शशांक कुमार मिश्रा जी से फ़ोन पर संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, कल पोडिया RI फोन पर मुझे बताया तब मेरे पास शिकायतकर्ता का लिखित शिकायत की वही काफ़ी आई है, मैं जांच करूंगा एवं 3-4 दिन में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे एवं सरकारी नियम में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। वर्तमान शांति नगर कॉलोनी में रहने वाले विस्थापित 22 परिवार एक लिखित मांग स्मारक पत्र पोड़िया राजस्व निरीक्षक के जरिए मोटू तहसीलदार को दिया है। शांति नगर कॉलोनी वासियों जल्दी सरकार और मोटू तहसीलदार से उन्हें पट्टा प्रदान करवाने का अनुरोध कर मांग कर रही है। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुंचे मालकानगिरी जिला के पोड़िया ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव में, नई बसी हुई है गांव, तकरीबन 13 साल में बसी हुई है इस गांव की। यहां के जो बसेरा है इनका शिकायत है कि जहां पे पुराना जो ब्लॉक ऑफिस था वहां पे जो कुछ साल पहले, आज से 14-15 साल पहले खाली करवा के इन लोगों को यहाँ पे बसाया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पे इन लोगों को कोई सहायता नहीं दी जा रही। आइए, यहाँ पे मौजूद है शिकायतकर्ता, यहाँ पे जो बसे हुए है गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे उनका राय लेते हैं। सर, ज़रा बताइएगा, आप जो यहाँ पे इतने सालों से रह रहे, आप लोगों का क्या परेशानी है, इस बारे में ज़रा हमारे चैनल आज तक में आपका स्वागत है, आप जरा बताइएगा। मोर नाम होती भत्तीन दिलीप कुमार और मु पोड़िया ग्राम रो शांति नगर बसिंदा और प्राय 13 वर्ष धरी आम जो पुसुगुड़ा बोल कर गोटे 25 वर्ष धरी पुसुगुड़ा रही तापर आम को कौन कले मैने से ब्लॉक आसी आज को प्राय 12 वर्ष होमर कौन सी पट्टा देना गवर्नमेंट तरफ अनेक तर लिखित रूप आम देपर कौन ना आमको नदे फोटा ना द्वारा आम पिला फाट पड़ पार ना गवर्नमेंट आड़ आम कि सुविधा पाईपर आद्वारा आम बहुत असुविधे सम्मुखीन हो दयाक आम अनुरोध कर सरकार को दयाक आमको फोटा अनुग्रह कले आम निश्चय आपको उपकृत होबू। आज्ञा, ये सुने थे यहाँ के जो नए कॉलोनी बसी हुई है जो सरकार की तरफ से बसाया गया था शांति नगर कॉलोनी के बाशिंदा, उनका कहना है कि ब्लॉक ऑफिस वहाँ पे बनाने के अवज़ में इनको यहाँ पे बसाया गया था क्योंकि ये लोग दीर्घ 25 साल से वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे जो मतलब शिफ्ट किया गया अभी तक सरकारी कोई सहायता इनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मौजूद है और जो है इसी गांव का बाशिंदा, आइए उनसे पूछते हैं। सर, ज़रा आपका राय दीजिएगा कि आपने कई बार शिकायत भी की होगी RI को या तहसीलदार को, लिखित भी दिया होगा कि जल्दी से जल्दी पट्टा दिया जाए, तो पट्टा प्रदान भी नहीं हुआ अभी तक इतने सालों से, आपका क्या क्या है ना इस बारे में बताइएगा। बहुत दिन धरी आम मिशा मध्य सार लिखित आकर आम देलु कि किसी आमको रेस्पन्स किसी करना आम जहाँ जो कि से पट्टा जाक आम मिलने आम पिला पढ़ाबारे कास्ट सर्टिफिकेट रेजिस्टर्ड ये जाक करिवारे सुविधा होता भावुँ।
ये सुने थे यहाँ के जो है निवासी शांतिनगर जो नए कॉलोनी है उनके निवासी, इन्होंने बताया कि इतने साल के बावजूद इन्होंने कई बार अभियोग भी किया, लिखित भी बताया कि इनको मतलब पट्टा वगैरह प्रदान किया जाए जिससे इनके जो बच्चे वगैरह ठीक ढंग से पाठ मतलब पढ़ाई कर सके, लेकिन ये प्रशासन की तरफ से कोई पदक्षेप नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे मौजूद है और एक बुद्धिजीवी, किंतु हमें पट्टा दिया जाऊ ना हम पिला मन को पाठ पढ़ाई कहले कौन सी ये माने पट्टा का सर्टिफिकेट काढ़ गले कहते पट्टा हेल्ले पट्टा आम कूट्राण आमको तो गवर्नमेंट एपर्त पट्टा देना आम आर अफिश्रे भी केतर अभियोग कलु सार आमको पट्टा दे आम पिला छुआ पाठ पढ़े एवं कौन सी गवर्नमेंट सुविधा भी आम पाइबू कहले कौन लिखित आकार भी देचु कितु एपर्त बार वर्ष है आमको कौन गवर्नमेंट सुविधा मिलूना आउ कौन सुविधा पाया गले पट्टा मगुच्च कौन रेसीडेट करवा गले पट्टा मगुच्च हेले आम पिला छुआ को पाठ पढ़ेबू केमती से कि देखु एत वर्ष गलापर आम केत थर भी लिखित आकार आर ए अफिस् देचु हेले आर ए आज्ञा जो अच्छे भी किसी एक्शन आम उपर नौ ना कि कलेक्टर को यह ना कि से आमर जनवा कारण कि आमको जिते जल्दी आमको पट्टा देले आम पिला छुआ को भी पाठ पढ़ेबार सुविधा हे कहीं का सर्टिफिकेट कि कौन से रेसीडेट हो कौन से इंदिरा कॉलोनी घर हो गवर्नमेंट सुविधा पाईपर से आम अभियोग करुचु। ये सुने थे यहाँ के जो है शांतिनगर कॉलोनी के बाशिंदा इनके जो है इन्होंने भी बताया, सरकार को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन 30 परिवार वहाँ से इस जगह पे जो शांति कॉलोनी जो है शांतिनगर कॉलोनी नया बसाया गया इस जगह पे शिफ्ट किया गया, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार ये कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पर आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाइएगा ज़रा ये कॉलोनी को दिखाइए किस प्रकार जो कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों का शिकायत है इन्होंने जो है अभी तक पट्टा नहीं मिला इनको और बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई करने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि इनको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आगे देखने को बाकी है कि कल जो इन्होंने शिकायत करके आया था तहसीलदार मोटू के श्री शशांक कुमार मिश्र जी के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन देखने को बाकी है कि कितने जल्दी मलकानगिरी प्रशासन इस समस्या का समाधान करते और इनको पट्टा प्रदान करते जिससे इनके बच्चे जो है कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पाकर सरकारी सहायता भी पाते हैं। तो उड़ीसा मलकानगिरी जिला पोड़िया ब्लॉक से गोविंद मंडल की रिपोर्ट आज तक 24 न्यूज। शांतिनगर कॉलोनी रे जो माने अछंती से माने पट्टा पाए ना थे देबी से पट्टा पाए पाई एप्लीकेशन दे छंती आपन को जरिया तहसीलदार तो ये विषय आपन को कोन मत अछि से रखा। गतकाली शांतिनगर बासिंदा आसी हमको 2008 मसिया रे से माने से जगह रहि आछंती, तो बर्तमान दरखास्त आम तहसीलदार को पठेबू जदि से तार इनक्वारी कलापर जदि से योग्य निश्चय भाव पट्टा द्वारा व्यवस्था करहसीलदार प्रतिश्रुति दे मो पर बासीदा थी सार आज 25 वर्ष धरिका से पुरान ब्लक सामने आम दुकान था कि घर बारी थी से आमको उठा दिखाई से सींगी विडो थी से नहीं कि रही कि आमको सब जगह बारी से 30 घर समस्त को आमको उठाई दिखाई आम जगह दिखाई शांतिनगर में शांतिनगर में आसले पर क्या जगह दिखाई जे घर भी एपर् के पाई आधा लोक पाई आधा लोक पाई से पोजिशन आम अच्छुआ छुआ पे मान को भी से 2008 आसती शांतिनगर में आर आई को केत थल तेल लगे हजार थर जा समस्त लेखिकना देचे से बिल्कुल भैल्यू लगातु ना पुछुगुड़ा थी नार आनंद कुमार मो ना अच्छे नार आनंद कुमार से पुछुगुड़ा रही कर आमर वीडियो सार मत आम को गौरव उठा बोल कह उठाई दे कर गौरव देखा दे पट्टा मत कि मिलना 2008 रु ए 2021 पर्यंत मत आमको पट्टा मत मिलना सरकार आमको एटा सांगे सांगे टिके कर देले आमको टिके असुविधा होछ बोले एटा। मालकानगिरी पोड़िया शांतिनगर कॉलोनी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।